आज हम स्पेशल टोमेटो का पुलाव बनाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। कुक विद प्रतिभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है तो आपके अपने चैनल कुक विद प्रतिभा को सब्सक्राइब करना ना भूले। जब भी हमारे घर में अचानक से मेहमान आ जाते हैं या हमें कुछ स्पेशल खाने का मन करता है क्योंकि हम रोज के खाने से बोर हो जाते हैं, तो ये आप टोमेटो का पुलाव जरूर बना सकते हैं। एक बार टोमेटो का पुलाव ये आप बना के खाओगे तो ये टोमेटो का पुलाव आप बार बार जरूर बना के खाओगे। टोमेटो में एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ ये विटामिन सी से भी भरपूर है। ये हमें कई सारी बीमारियों से बचा के हमें हेल्दी रखने का कार्य करता है। लिए आप बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल ये पुलाव। पुलाव बनाने के लिए मैंने ये 2 कप बासमती चावल लिए हैं। आपके पास अगर ये चावल है तो लीजिए, नहीं तो आप कोई आपके घर में जो चावल है वो आप ले सकते हैं। अब इस चावल को हम पानी डाल के अच्छे से एक बार वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद हम इस चावल को भिगो के रखते हैं 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट वॉश करके भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई नॉर्मल दूसरा चावल यूज़ कर रहे हैं तो आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। मैं बासमती चावल यूज़ कर रही इसलिए मैं भिगा रही हूँ। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब उसमें मैं 1 टेबलस्पून में ये घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो ये पूरा घी में भी बना सकते हो, नहीं तो चाहे तो पूरा आप ऑयल में भी बना सकती। ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, उसमें मैंने 2 तेज़पत्ता लिए हैं, 2 दालचीनी छोटे टुकड़े और थोड़ी काली मिर्च लौंग ली है और 1 काली इलायची बड़ी ली है मैंने, 1 और 2 मैंने हरी इलायची ली है। ऐसे तोड़ के हमें इसमें डालना है। अब इसको और इसके बाद हम डालेंगे जीरा। मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है। अब इसको अच्छे से लो फ्लेम पे हम फ्राई करते हैं। उसके बाद मैंने 2 मीडियम कट करके लंबे कट करके मैंने ये प्याज डाले हैं। पुलाव बना रहे तो प्याज तो इसमें डालना ज़रूरी है। अब डालते हैं 2 चम्मच लाल मिर्च। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मिला लेते हैं। इसका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाने के बाद हम डालते हैं अब इसमें कट करके ये 4 महीने मीडियम साइज के टोमेटो कट करके रखे हैं, ये अब हम इसमें ऐड करते हैं। अब इसको हम फिर से अच्छे से मिला लेते हैं। हम थोड़ा सा इसका कच्चापन जाने तक थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए हम इसको पकाते हैं। अब पकाने के बाद हम इसमें ऐड करते हैं 2 हरी मिर्च लंबी कट की हुई। अब इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें डालते हैं हम 1 टेबलस्पून जितने ग्रीन पीस। ये फ्रेश ग्रीन पीस है, अगर नहीं तो आपके पास जो स्टोर है वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें 1 स्पून हम हल्दी, 1 स्पून हम गरम मसाला और 1 स्पून लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ये डाली है अभी मैंने, और पहले जो डाली थी वो मैंने रेड जो तीखी वाली होती वो डाली है। अब मैंने पुदीना डाला है, पुलाव बना रहे तो पुदीना तो बनता ही है। अब थोड़ा हरा धनिया डाला है, उसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं पहले। अब इसमें डालते हैं जीरा पाउडर 1 स्पून। अब डालते हैं हमें इसमें बहुत ज़रूरी पॉइंट, पानी। हम डालेंगे ये इसमें 2 कप चावल के लिए 2.5 कप हम ये पानी डाल रहे हैं। चाहे तो चावल आप पहले भी मिला सकते हैं उसके बाद पानी डाल सकते हैं आप इसमें, लेकिन मैं पहले पानी डाल के बाद में चावल बना रही हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि ये चावल जो है टूटे ना। पहले डालेंगे और ज़्यादा मिलाएंगे तो वो टूट जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए हमें साबुत चाहिए, इसलिए मैंने ये बाद में डाला है। अब डालते हैं 1.5 चम्मच ये नमक। आप नमक स्वाद के अनुसार डालें। अब इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें इसको हिलाना नहीं है, बस मिक्स हो जाए इतना मिलाना है इसमें। अब डालते हैं हम घी। मैंने 2 चम्मच घी डाला है। ये घी पतला इसलिए है, अभी फ्रेश बनाया हुआ घी है। घी आपका बिल्कुल ऑप्शनल है, चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसका लीड लगा लेते हैं। हम मीडियम फ्लेम पे इसको 1 सीटी आने तक पकाते हैं। उसके बाद हम गैस का फ्लेम लो करके इसको 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद ये पूरा इसकी जो गैस है निकल जाने के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए सीटी अभी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल के देखेंगे। वाओ, बहुत बढ़िया, अभी ये मस्त ऐसा रेडी हो गया है हमारा पुलाव। थोड़ा सा हम चेक करते हैं ये पका कि नहीं। बहुत बढ़िया से मिक्स हो गया है, बहुत बढ़िया से पक गया है।
हम और थोड़ा सा ये चेक करते। मैं फोर्क से इसीलिए चेक कर रही हूँ ताकि इसमें जो ये दाने हैं चावल के ये टूट ना जाए, इसीलिए बहुत ध्यान से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। देखिए बहुत बढ़िया से पक गया है, अभी ये चावल एकदम रेडी हो चुका है। देखिए बहुत अभी गर्म है, बहुत गर्म है अभी ये। थोड़ा देर ऐसा ही रख के हम सर्विंग के लिए ले लेते हैं। देखिए एक एक इसका दाना दाना जो है ना ये सेपरेट हो चुका है। चलिए मैं दिखा देती हूँ आपको इसका टेक्सचर, बहुत बढ़िया। देखिए एक एक दाना इसका सेपरेट हो चुका है, देखिए बहुत बढ़िया बना है। अब देखिए मैं इसको, अभी लग रहा है ना जैसे हम रेस्टोरेंट में जैसे खाते हैं ना, ये साउथ में बहुत ज़्यादा फेमस है टोमेटो पुलाव। और ये आप ज़रूर घर पे बना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपने जो बनाया हुआ पुलाव है कैसा लग रहा है। देखिए मैं अभी रेस्टोरेंट स्टाइल इसको थोड़ा सा सजाती हूँ। देखिए लग रहा है ना रेस्टोरेंट जैसा ही। नहीं देखा है मैंने, बहुत ही सिंपल मेथड से बनाया है, आप ज़रूर एक बार घर पे बना के देखिए। आपके फैमिली या आप किसी के लिए जो बना रहे उनको बहुत ज़्यादा ये पुलाव पसंद आ जाएगा और मुझे ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिए। और हाँ सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, नीचे दिया गया वो जो सब्सक्राइब का लाल बटन है वो प्रेस नहीं किया हो तो प्रेस कीजिए, और आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेंगी वो भी फ्री में। और हाँ नीचे दिया गया जो लाइक का बटन है वो भी क्लिक कर दीजिए और आपके फैमिली और फ्रेंड्स को ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए ये बहुत ही बढ़िया दिख रही है, मुझे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, मुझे तो अभी खाने का मन कर रहा है। तो अभी इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ और खाने के लिए चलती हूँ। तो देखते रहिए कुक विद प्रतिभा और जुड़े रहिए कुक विद प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।